गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बात कर रहे हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जनरल पॉइंट हम क्लियर कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आज गैस फेज का बात कर लेते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी में है। तो फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, जैसे ही कह दिया जाए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा? जो हम लोग रिएक्शन के बारे में जो कॉन्सेप्ट समझते हैं, वे समझते हैं जो गैस फेज में होता है और सॉल्यूशन फेज में होता है। तो इससे पहले जो हम लोग बात किए वे सॉल्यूशन फेज का था, अब बात कर रहे हैं जो गैस फेज में यदि रिएक्शन हो तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फॉर रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर इन गैसियस स्टेट, यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही किस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट, द कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। और जैसे ही हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखेंगे गैस फेज में है, तो उस समय हम पार्शियल प्रेशर के लैंग्वेज में बात करेंगे, जिस तरह से इससे पहले हम लोग सॉल्यूशन फेज में देखे हैं और सॉल्यूशन फेज में कंसंट्रेशन के टर्म में बात किए हैं, कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी के टर्म में बात किए हैं, उसी तरह से गैस फेज रिएक्शन को किस टर्म में बात किया जाएगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म में बात किया जाएगा। अब सवाल है जो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, इतना आप समझ लें जहाँ कहीं भी गैसियस मिक्सचर हो तो गैसियस मिक्सचर के कारण कुछ न कुछ टोटल प्रेशर होगा, और उस टोटल प्रेशर में पार्टिकुलर एक गैस के कारण जितना प्रेशर होता है उसको ही नाम रख दिया गया है पार्शियल प्रेशर। उसको हम किस नाम से जानेंगे, पार्शियल प्रेशर के नाम से जानेंगे। द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट आर आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये जो इससे पहले हम लोग रेट लॉ देखे थे, रेट कांस्टेंट देखे थे, वे भी पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो वी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर, जहाँ पे आर नोट क्या कहेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के लैंग्वेज में आर क्या कहेंगे कंसंट्रेशन एट एम्प्टी। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, तो प्रेशर के टर्म में। तो वी नो दैट हम जानते हैं क्या, पी भी इक्वल टू एन आर टी, कहाँ से, आइडियल गैस इक्वेशन से, पी भी इक्वल टू एन आर टी। तो ऐसा हम कर सकते हैं पी इक्वल टू एन बाय भी आर टी। अब जब एन बाय भी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, यानी पी बराबर सी आर टी, सी कहाँ से आ गया, तो एन बाय भी को सी कह देंगे। अब देखिए एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। अब तो आप लोगों को वीडियो पॉज करना होगा, नोट करें, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखें, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, तो ऐसा लिखा जा सकता है पी नोट बाई पी टी सी नोट बाई सी टी, सी नोट बाई सी टी। अब देखिए जो सी नोट है उसी को हम लोग एन सी आर टी के लैंग्वेज में आर नोट कहे हैं, और जो सी टी है उसको एन सी आर टी के लैंग्वेज में आर कहे हैं। तो देयर फोर अब हम कह सकते हैं के टी इक्वल टू 2.303 log, जो हम लोग आर नोट कह रहे थे वे सी नोट हो गया, और सी नोट हो गया मतलब पी नोट हो गया, क्या समझे, आर नोट वे सी नोट हो गया, और सी नोट हो गया मतलब पी नोट हो गया, और आर सी टी, सी टी मतलब ये पी टी हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को गैस फेज का एक इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे जो पी नोट है वे पी टी है, इसके बारे में जानेंगे। तो पी नोट के बारे में कह देंगे इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट
और पीटी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। समझे इस बात को, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इस बात को भी हम स्पष्ट कर देते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है ना, तो प्रेशर ओनली ड्यू टू रिएक्टेंट एट टाइम टी, मतलब केवल रिएक्टेंट के कारण जितना प्रेशर होगा एट टाइम टी में उसको ही हम कंसीडर करेंगे। और हम लोग आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले वीडियो को पॉज करें, नोट करें। चले आप लोग अब सावधानी से, एक हम इक्वेशन लेते हैं, ज्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे, एक एग्जांपल में समझ जाना होगा आप लोगों को। N2O5 जब हीट किया जाएगा तो प्रोडक्ट बनता है NO2 और O2, सभी का सभी गैस फेज में है। जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इक्वेशन पे बेस्ड हो तो इक्वेशन निश्चित रूप से बैलेंस होना चाहिए, तो ये हम अब बैलेंस कर दिए। ये रिएक्शन हो रहा है, हीट कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। इनिशियल, सावधानी से देखें, एक ही बार में क्लियर कर लेंगे। इनिशियल प्रेशर कुछ न कुछ होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है, तो मानते हैं इनिशियल प्रेशर पी नोट है। उस समय प्रोडक्ट के कारण प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। ये उस समय का बात है जब टी इक्वल टू जीरो, टाइम कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये मान के करते हैं जो टाइम जीरो होगा। समय के साथ ये डिसोसिएट होते जाएगा, घटते जाएगा। समय के साथ क्या होगा, ये डिसोसिएट होते जाएगा, घटते जाएगा। अब इसमें से घटेगा कितना, ये इस स्टोइकियोमेट्रिक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम अब क्या कह देंगे, जो एट टाइम टी, तो जब एट टाइम टी कहेंगे, यहाँ टी इक्वल टू जीरो, यहाँ टाइम टी, तो माइनस टू पी डैश, जितना यहाँ कोफिशियंट रहेगा, मान लिया जाए सपोज कि यहाँ सिक्स रहता तो माइनस सिक्स करते, माइनस फोर करते, माइनस थ्री करते, मतलब जो भी कोफिशियंट रहेगा वही। अब यहाँ पे फिर उतना ही प्लस हो जाएगा, फोर पी डैश, यहाँ पे ये पी डैश। क्या समझ रहे हैं बात, जो इस तरह से हम लोग ये डैश छोड़िए देते हैं, क्योंकि यहाँ पी है, पी नोट है, तो इसको पी रखते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मतलब इधर घटेगा और इधर बढ़ेगा। तो अब जो हम एक फाइनली यदि बात करें तो क्या मिल जाएगा हमको, पी नोट माइनस टू पी, फोर पी, पी। तो हम कह सकते हैं जो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू पी नोट माइनस टू पी प्लस फोर पी प्लस पी। अब ये टू पी यानी दो कैंसिल हो गया, तो पी नोट प्लस थ्री पी, इतना वैल्यू आ गया। अब आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर कुछ न कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मतलब ऐसा सिचुएशन आएगा। यहाँ हमको के टी बराबर जब पुट करेंगे तो 2.303 लॉग इनिशियल प्रेशर, तो यहाँ भी पी नोट लिया गया है, लेकिन पी टी के जगह पे
यहाँ हो जाएगा P नॉट माइनस टू पी, पी टी के जगह पे P नॉट माइनस पी टी के जगह पे P नॉट माइनस टू पी। तो वीडियो को पॉज करें, इसी में हम फिर दूसरा पॉइंट समझाने जा रहे हैं। पहले वीडियो को आप पॉज करके नोट करें। देखें एग्जांपल, हम किसी को टू बना दे रहे हैं, इनिशियल प्रेशर यानी टी इक्वल टू जीरो, ये पी नोट रहा, ये जीरो आफ्टर टाइम टी माइनस क्या कह देंगे 2p, ये प्लस क्या कह देंगे 4p, ये क्या कह देंगे p। अब देखिए, हम लोग ये बात समझे थे जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो एट इनफाइनाइट टाइम और जब एट इनफाइनाइट टाइम कह देंगे तो उस समय तो ये पूरे का पूरे समझते हैं खत्म हो गया, ये जीरो हो जाएगा, एट इनफाइनाइट टाइम जीरो हो जाएगा। ये जो बनेगा, ये जो फॉर्मेशन होगा, ये जस्ट इसके बराबर, यानी टू पी नोट, ये बात थोड़ा समझे, यानी ये पी नोट है इनिशियल और ये कोफिशिएंट टू है, इसीलिए टू पी नोट के बराबर। अब ये जो बन जाएगा ये पी नोट बाय टू, क्योंकि इस मोल का ये यहाँ हाफ मोल है, जितना यहाँ है उसका आधा है, इसीलिए पी नोट बाय टू। तो टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम, तो उस सिचुएशन में हम कह देंगे 2p0 और प्लस p0 बाय 2। अब जो कुछ भी वैल्यू रहेगा, तो वीडियो को पॉज करें, इस पर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 व्हिच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्जेक्ट, द प्रेशर डेवलप ड्यू टू डिकम्पोजिशन इन क्लोज्ड वेसल आफ्टर 30 मिनट एंड एट इनफाइनाइट टाइम आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, यानी के का वैल्यू निकालना है। आंसर आपको दे दिए इतना, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को आज ट्राई करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी को सॉल्यूशन दे देंगे। पहले आप लोग इस पर कुछ सोचें, फिर से इस बात को समझें, जो हमेशा इनिशियल प्रेशर चाहिए और एट टाइम टी केवल किसका, रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए, प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। इनफाइनाइट पे आप देखें, जो जितना रिएक्टेंट रहेगा उसी रिस्पेक्ट में ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इसको आप बार बार ट्राई करते रहें। जय हिंद।